पर खाद्य विभाग ने छापे की कार्रवाई की है और मिलावटी पनीर और खोआ बेचने का आरोप इस डेयरी पर लगा है। इस मामले में यह कार्रवाई हुई है और खाद्य विभाग ने 180 किलोग्राम खोआ यहां से जब्त किया है, यानी कि मावा जब्त यहां से किया गया है। इसके अलावा 30 किलो पनीर भी यहां से जब्त किया गया है। जांच के लिए सारे सैंपल जो हैं ये भोपाल भेज दिए गए हैं, दोनों सैंपल अग्रवाल डेयरी के संचालक पर। दरअसल ये पूरा आरोप लगा है कि शिकायतकर्ता ने खोआ और पनीर में केमिकल होने की शिकायत दर्ज कराई। बैतूल के गणेश चौक पर यह अग्रवाल डेयरी स्थित है। चलिए बढ़ते आगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हरदा पहुंचे और उन्होंने यहां पर सबसे पहले घटना स्थल का हवाई सर्वेक्षण किया। इसके बाद वे पटाखा फैक्ट्री के हादसों के पीड़ितों से मिलने के लिए जिला अस्पताल पहुंचे और फिर यहां से घायलों का हाल जानने के बाद मोहन यादव सीधे धमाके वाले घटनास्थल पर पहुंचे और यहां का उन्होंने मुआयना किया, रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे अधिकारियों से बातचीत की। इसके अलावा टीम को अगली कार्रवाई के लिए महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कल जैसे ही इस हादसे की जानकारी मिली थी वैसे ही मंत्री को तुरंत रवाना किया गया। मुझे लगा कि मुझे खुद को भी आना चाहिए, इसलिए मैं यहां पर आया हूं। घायलों से मुलाकात की गई है, उनकी प्रशासनिक मदद के साथ साथ अन्य परिवारों से मिलने भी जाएंगे। मौके का मुआयना करने के बाद हमने जो टीम गठित की है उसकी जानकारी देगी, हम उसकी जानकारी पर कठोर कार्रवाई करेंगे और कार्रवाई ऐसी होगी कि लोग याद रखेंगे। मैं आज हरदा में कल के हादसे में जो घायल भाई बहन हुए उनसे मिलने आया था और करीबन कल रात को मैं अधिकांश संख्या सबसे बड़ी संख्या में भोपाल में थी, जिससे कल रात को भी मैं मिला था। जिस प्रकार से हम सबको जानकारी है, कल जैसे ही मैं कैबिनेट में मुझे जानकारी है, मैंने इमीडिएट वहीं से मंत्री जी को रवाना किया था राव प्रताप सिंह के बाद में। और हमने अभी तक जो एक तरह से गंभीर हादसा भी है, लेकिन मुझे लगा कि मुझे खुद को जाना चाहिए हरदा में, इसीलिए स्वयं यहाँ आया भी हूँ और यहाँ घायलों से मिलने के बाद उनको शासन की जो भी यथायोग्य मदद है वो करने के साथ साथ हम कोशिश कर रहे हैं कि अभी यहाँ के बाद जो मृतक परिवार है उनसे भी ऊपर मिला था, एक आध परिवार में बैठने भी जाऊँगा और स्पॉट का इंस्पेक्शन करने के बाद जो टीम हमने गठित की है वो जो रिकमेंड करेगी निश्चित रूप से ठोस कार्रवाई ऐसी होगी कि लोग याद रखेंगे। बहुत धन्यवाद। तो कार्रवाई ऐसी होगी कि लोग याद रखेंगे, मुख्यमंत्री के द्वारा यह कहा गया। आज मौके पर घटनास्थल पर मुख्यमंत्री पहुंचे हुए थे और उन्होंने ये सारी बातें यहां पर कही हैं और इसके साथ ही जो पीड़ित घायल जो हैं उनसे उनका हालचाल जानने के लिए वे अस्पताल भी पहुंचे थे और अस्पताल जाकर भी उन्होंने हालचाल जाना है। इसके अलावा मौके पर जब मुख्यमंत्री पहुंचे हुए थे घटनास्थल पर तब वहां पर काफ़ी संख्या में लोग भी जुट गए। कहीं ना कहीं इस घटना के बाद लोगों में नाराज़गी भी देखी जा रही है, लोगों में गुस्सा भी है, लेकिन फिलहाल शासन प्रशासन अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है कि इस मामले में कठोर कार्रवाई भी हो और साथ ही साथ जो घायल हैं उनका मुफ्त इलाज सरकार कराएगी, इसका जिक्र भी मुख्यमंत्री कर चुके हैं। मौत का कारखाना चलाने वाले आरोपी खुद भी बारूद के ढेर पर ही रहते थे। आसपास के लोगों का यह आरोप है कि आरोपी के घर में पटाखे भरे हुए हैं। न्यूज 18 बीच हरदा में मौजूद पुरानी सब्जी मंडी में आरोपी राजेश और सोमेश अग्रवाल के घर पहुंचे और वहां के लोगों से बातचीत की। उन्होंने क्या कुछ बताया सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे, सुनिए। ये जो सब्जी मंडी है, बाजार एक बड़ा, यहाँ के सारे रहवासी दुकानदार यहाँ पर इकट्ठा हैं जो बहुत ही ज्यादा गुस्से में हैं। ये लोग लगातार विरोध करते आए हैं कि आखिर इसको पटाखा फैक्ट्री को रहवासी इलाके में मंजूरी क्यों दी जाती थी, आखिर क्या था मामला। आइए हम रहवासियों से भी बात करते हैं, उनका दर्द जानते हैं क्योंकि कई लोगों ने अपनों को खोया है और हम उनसे ही समझते हैं कि ये जो पूरी घटना हुई है इसका जो जिम्मेदार है उन पे क्या कार्रवाई होनी चाहिए। हम राजू के घर पे, राजेश अग्रवाल आप लोग यहाँ रहते हो, क्या आप लोग क्या कहना आपका ये इतनी बड़ी हरदा में घटना हुई? हम ये कहना चाह रहे हैं कि हम हॉस्पिटल में थे तो उन्होंने 6 मौतें दर्शाई है
19 डेड बॉडी हमने हमारे हाथ से उतारी है, जिसमें से 18 डेड बॉडी का पोस्टमार्टम करा के हमने भिजवा दिया। एक डेड बॉडी पूरी तरीके से जल गई थी तो वो पहचान में नहीं आई, इसलिए वो वहाँ रखी। मसला है कि जो ताला डाला है वो ताला भी उनका ही डाला है, सरकारी ताला कोई नहीं डाला है। ना अभी तक उनके घर पे सील लगी है, ना अभी तक उन पे कोई कार्रवाई हुई है। अभी तक उनके घर में फटाका आगे से पीछे तक भरा हुआ है, ना प्रशासन साथ देता है। यहाँ पे इसके मकान पे भी लिखा है कि पटाखे मिलते हैं, तो क्या यहाँ पर पटाखे आज भी मौजूद है? दुकानें यहाँ पर बहुत बड़ी, और दिवाली के टाइम पर जब पटाखा बाजार हर शहर से बाहर कर दिया जाता है उस वक्त भी यहाँ पर पटाखा बिकता है। और अभी तक उनके घर पे अभी तक सील नहीं लगी है, ना कोई सरकारी सील लगी है, ना कोई सरकारी कर्मचारी यहाँ पे आके देखा है, ना किसी का नहीं है। और पहली बात ये कि अगर आप फटाके की दुकान खोल रहे हो तो उसके आजू बाजू कोई घर नहीं होना चाहिए। ये मेन मार्केट में गहना कलते दुकान खोल रखी है, और इससे पहले भी बहुत सारे केस हुए जहाँ पटाखे क्या भरे हुए, क्या लग रहा है? बहुत भरा हुआ, अच्छा भरा हुआ है। हमारा घर है, रात में हम नहीं रहते। आप अभी घर खोलकर देख लो, सड़क खोल के आपको इतना फटाका मिलेगा कि आप थक जाओगे देख देख कर। और यहां वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों को लेकर।